सीटर की क्षमता से नहीं चलते हैं और 10 सीटर की क्षमता से खरीदे जा रहे हैं और इनके लिए वास्तविक मूल्य 35,000 रुपए था। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की जांच के विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी शिकायत पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज द्वारा एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में डॉक्टर अरविंद खरे और डॉक्टर नीरज गुप्ता और हमारे सैन साहब जो बायोमेट्रिक के इंजीनियर हैं, उन्होंने ये जांच की और जांच करने पर यह पाया कि यह ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर 2 लीटर पर ही 93% शुद्धता देता है। जैसे ही इसको 10 लीटर फ्लो पर चलाया जाता है, वो 10 लीटर फ्लो पर इसकी जो शुद्धता है वो 27-30% ही रह जाती है। और इस आधार पर उन्होंने सिफारिश करी कि ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर काम के नहीं है, इसलिए इनको चेंज किया जाना चाहिए, सप्लायर से दूसरे मंगवाए जाने चाहिए, ये उन्होंने सिफारिश करी। और सिफारिश के बाद पे आप देख रहे हैं दूसरा कंसेंट्रेटर सप्लाई कर दिया है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, यह प्रश्न यह है कि इसी टेंडर में सिर्फ 26 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर नहीं खरीदे थे, 126 खरीदे थे जिसमें 100 स्मार्ट सिटी के तहत खरीदे गए थे और वो यही इसी टेंडर के माध्यम से खरीदे गए थे, एक जैसे खरीदे गए थे, एक टेंडर में सप्लाई किया सप्लायर ने। तो जब 26 चेंज किए जा सकते हैं तो वो 100 क्यों नहीं चेंज किए गए जिनको इस टेंडर के तहत खरीदा गया था? और जिस अधिकारी ने कर्मचारी ने ये कारनामा किया है उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई करी? इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी के तहत जो आना सागर में चौपाटी बनी है उस चौपाटी पर भी बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र हुआ है, भ्रष्टाचार का खेल हुआ, मिलीभगत का खेल हुआ है, क्योंकि सैकड़ों बीघा जमीन उसमें एक्वायर की गई सरकार द्वारा लेकिन मुआवजे के रूप में एक फूटी कौड़ी भी खातेदारों को अभी तक नहीं दी गई है। ना तो खातेदारों को मुआवजा दिया गया है और ना ही अजमेर विकास प्राधिकरण ने उस भूमि पर कब्जा लिया है। तो बगैर कब्जा लिए बगैर मुआवजा दिए आपने कुछ खातेदारों की भूमियों पर स्मार्ट सिटी के तहत झील का पाथवे बनाने का काम किया है, स्मार्ट चौपाटी बनाने का काम किया है। तो चौपाटी कैसे बनी जब जमीन का मुआवजा आपने नहीं दिया, जब जमीन का कब्जा आपने नहीं लिया, तो स्मार्ट सिटी वहाँ कैसे आ गई? क्योंकि स्मार्ट सिटी ने तो वो जमीन एक्वायर की नहीं थी, ये जमीन एक्विजिशन हुआ था झील संरक्षण के लिए। तो झील को संरक्षण करने की बजाय आपने झील के कुछ खचराओं को छोड़ करके और झील को अंदर जाकर के चौपाटी बनाई है। इसका मतलब है चौपाटी से जो बाहर के खसरे रह गए हैं वो खसरे आपने छोड़ दिए हैं, है ना। एक्विजिशन के बावजूद भी उन खसरों पर आपने चौपाटी नहीं बनाई है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने मिलीभगत का खेत किया है। कुछ खातेदार जो बेचारे भोले वाले हैं जिनको नहीं मालूम है, उन खातेदारों की ज़मीनें आपने हड़प ली और उन पर आपने मुआवजा भी उनको नहीं दिया, तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए। ऐसे सारे ऐसे 2 प्रकार के खातेदार हैं, 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। और इसी प्रकार से जो वेटलैंड वाली ज़मीन थी वो 215 बीघा है, तो 215 बीघा और 171 बीघा ऐसे लगभग ये 125 बीघा ज़मीन होती है जिसको उन्होंने मुआवजा नहीं दिया है जबकि एक्वायर कर लिया। तो आपकी एक्विजिशन तो पूरी हुई नहीं, जब एक्विजिशन पूरी नहीं हुई तो आपने स्मार्ट सिटी के तहत चौपाटी क्यों बनाई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं डिमांड ये करती हूँ कि जिन्होंने ये कारनामा किया बिना मुआवजा दिए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस अधिकारी ने ये घटिया किस्म के 126 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर खरीदे हैं उसमें से सिर्फ 26 ही रिप्लेस हुए हैं, 100 भी रिप्लेस किए जाना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई की जानी चाहिए।